विक्टोरिया मेमोरियल जाना है। किधर? आगे सामने। हे गाइस, मैं पैदल जा रही हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। पीछे घोड़ा सब है। वाओ, सो नाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है जाने में। ये देखिए कितना इधर का रास्ता नीट एंड क्लीन है, बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। अगर आपको विक्टोरिया मेमोरियल जाना है तो बालीगंज स्टेशन से वहाँ से बस लेना होता है। बस का ज़्यादा किराया नहीं है, 10 या 12 रुपये लेंगे आपसे। और आपको विक्टोरिया मेमोरियल का जो जगह है, बस स्टैंड है, वहाँ पे छोड़ देंगे। और आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से थोड़ा आगे, कुछ दूर आगे जाने के बाद आपको विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा। शायद हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच गए। विक्टोरिया मेमोरियल का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। रोड के इस पार मैं हूँ और उस पार मुझे जाना है। इधर का रास्ता ये देखिए कितना साफ सुथरा है। और इधर फास्ट फूड बिक रहा है, आपको ठंडा पानी मिल सकता है। मैं आपको सिनेमैटिक तरीके से वीडियो शूट करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये विक्टोरिया महल का बाहर का व्यू। हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट मिलता है। टिकट का प्राइस है 30 रुपीज। हमारे कत दीजिए 300 तो। ओ सॉरी, कुछ में ब्रिटिश बनाए मैदान एरिया 10-6 तक खुला, सोमवार बंद। क्या है? किताब लेके जाओ, किताब लेके जाओ। तो कितने का ये आता है? 40। और अच्छे प्लास्टिक पूरा कोलकाता का ये है। बहुत जानकारी की था कोलकाता का। ये विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जाने का ये गेट है। मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ यहाँ का व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए, अपनी आँखों से देखिए। वाओ, सो नाइस। आ गई हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है? यहाँ पे टिकट चेक कराना होगा। ऐसे इधर से ही निकलते हैं। ये गार्डन टाइप का है, यहाँ पे आराम कर सकते हैं। बहुत सारा पेड़ पौधा है। इधर है विक्टोरिया महल। सामने जो स्टैचू है वो महारानी विक्टोरिया के स्टैचू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। महल कितना खूबसूरत। इस महल के ऊपर जो स्टैचू टाइप का छोटा सा दिख रहा है, वो पड़ी है एंजल ऑफ विक्टोरिया का। ये जो बनाया गया है 16 फीट का ये बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है ये। इस महल के चारों तरफ बगीचे लगाए गए हैं, इसकी खूबसूरती और बढ़ा देती है। और इसकी ये जो विक्टोरिया मेमोरियल के बगीचे हैं वो 64 एकड़ में है। इसके देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए 21 बगानों का टीम है। घूमने वाली तो जगह बहुत है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है, ये गर्मी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मेमोरियल के साइड में बहुत सारा पानी है।
इस महल का ऊंचाई 184 फीट है। ये सफेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है। ये महल सोमवार को बंद रहता है। अंदर जाने वाला रास्ता है, इसके चारों तरफ कंकड़ से ये कंकड़ बिछाया गया है और सामने फ्लावर्स है, लाइट्स भी लगे हुए हैं। रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत आपको दिखेगा ये महल। मैं महल के अंदर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ यहाँ तस्वीरें बनाए गए हैं। सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे चेक किया जाएगा सामान, जैसे बैग हो गया, ये सब चेक किया जाएगा। इसके थ्रू अंदर जाते हैं। शायद अंदर कमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आपको अंदर का सीन मैं नहीं दिखा पाऊँगी। सर व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। महल का बाहर का व्यू है। वहाँ पे बैग को चेक किया जा रहा है। ये महल का अंदर का व्यू आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। विक्टोरिया महल का जो गार्डन बना हुआ है, जो बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें ये फाउंटेन बना हुआ है। बहुत बड़ा है फाउंटेन, विक्टोरिया महल से भी ज़्यादा इसका गार्डन है। चारों तरफ फ्लावर्स लगे, ये सूरजमुखी का फूल है। सूरजमुखी के फूल से चारों तरफ से ये फाउंटेन को घेर रखा है, इसको चारों तरफ से ये फ्लावर लगाए हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये सूरजमुखी का फूल है और ये बीच में ये फाउंटेन बना हुआ है। ये देखिए फाउंटेन के सामने ये विक्टोरिया महल दिख रहा है। दूरी पे है थोड़ा, इसलिए ये छोटा दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर है ये विक्टोरिया महल और ये फाउंटेन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। Hey guys!
अब बाहर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसे लगे वीडियो, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर।